हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके साथ मोठ की सब्जी का वीडियो शेयर करूंगी। ये मैंने एक कटोरी में मोठ रात को भिजो कर रख दिए थे, ये उनको साफ करके धो के रख लिया है। और ये दो हरी मिर्च काटी हैं और 10 लहसुन की कलियां हैं जिनको मैंने पीस कर रख लिया है। दो प्याज काटे हैं, दो टमाटर लिए हैं और ये मेरे मसाले हैं। 2 चम्मच ऑयल मैंने भगोने में चढ़ा दिया, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं जीरा ऐड करूंगी। अब इसमें मैं प्याज प्याज ऐड कर दूंगी और टमाटर ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से फ्राई करूंगी। प्याज को अच्छे से प्याज और हरी मिर्च को अच्छे टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये मैंने सूखा मसाला डाला है। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक लिया है, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। मैंने थोड़ा पानी ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये लहसुन और हरी मिर्च इसमें ऐड कर लूंगी। प्याज और टमाटर फ्राई हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब इसके मसाला डाल दूंगी मैं। मसालों को अच्छे से मैं भून लूंगी, फ्राई अच्छे से फ्राई कर लूंगी। मसाला फ्राई हो गया है, ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं ये मोठ तो भिगो कर रखे थे उनको ऐड कर दूंगी। मोठ की सब्जी अगर आप भिगो के बनाते हो तो इसको आपको सूखी बनानी है, इसमें आप तरी नहीं करोगे। अगर इसमें मोठ की सब्जी सूखी बनती है, इसमें ग्रेवी नहीं होती। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के लिए पकने के लिए रख दूंगी। इसमें मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी और हरे धनिया की हरी पत्तियां ऐड करूंगी। अब हमारी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस तरह से बनाकर खाकर देखिए। सब्जी बहुत ही लजीज और टेस्टी बनती है।